Hello guys, welcome back to again our channel. Today we are going to study about carbohydrate. Briefly study and role of carbohydrate. Introduction. Carbohydrate are compound containing carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड होते हैं जो कि अपने साथ रखते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को. दे कंसिस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट. ये नेचुरल प्रोडक्ट है. दे आर कॉमनली नोन एज सैचुराइड्स और सुगर. इन्हें नॉर्मली सैचुराइड्स और सुगर कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन प्लांट एंड एनिमल. ये ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल में मिल जाते हैं. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट इन स्टार्च. प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ये डिपॉजिट होते हैं. इट आकर एब्यूडेंटली इन रूट. ये रूट में भी स्टोर होते हैं. ट्रिब्यूट्स में स्टोर होते हैं. वेजिटेबल्स में स्टोर होते हैं. ग्रेन्स में स्टोर होते हैं. प्लांट के इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन ग्लाइकोजन. और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं. इट इज स्टोर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लीवर एंड मसल्स. एनिमल्स में ये या तो लीवर में स्टोर होते हैं या मसल्स में स्टोर होते हैं. केमिकल कंपाउंड थ्री एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 H2O एज प्रेजेंट इन वाटर. जैसे कि पानी में रेशियो होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, सेम रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1. कार्बोहाइड्रेट हैव पिकल फॉर्म में फॉर्मूला C2CH2O N. मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C2H2O होता है. और सिंपल सुगर कंटेन अ प्रोटर्नल एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. ज्यादातर सुगर कंटेन करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप को. ऑल कंपाउंड सुगर विच आर मेड अप ऑफ सिंपल सुगर ऑल्सो कंटेन प्रोटर्नल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप. दीज ग्रुप में बी इन फ्री और इन कॉम्बाइंड फॉर्म. या तो ये फ्री होंगे या फिर किसी चीज से कम्बाइंड होंगे. दीज टू ग्रुप आर एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुगर. ये दोनों ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुगर को शो कर रहे होंगे. डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज pyrohydrate, aldehyde or ketone and their derivatives or substance which yield one of the substance of hydrolyzing. कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड. पॉली मतलब कई सारे हाइड्रोज और हाइड्रोज हो एल्डिहाइड के या कीटोन के. या फिर दे आर डेरिवेटिव और सब्सटेंस. या तो डेरिवेटिव हो या सब्सटेंस हो विच यील्ड जिन्हें उगाया जाए वन ऑफ दिस सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइजिंग हाइड्रोलाइज करने पे.